गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर आल्सो फाइन. डियर स्टूडेंट, आई एम ज्योति मैम, दिस इज योर क्लास टीचर. टुडे आई विल टेल यू मॉरल स्टोरी. हमारी स्टोरी का नेम है माँ की प्यारी सीख. इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये चेतन अपनी माँ के साथ एक बहुत अच्छे घर में रहता था, है ना? चेतन है और ये उसकी माँ, लोग एक साथ एक बहुत अच्छे घर में रहते थे. वह बहुत अच्छा लड़का था. जो चेतन था वो बहुत अच्छा लड़का था और सदा अपनी माँ का कहना मानता था. उसकी मम्मी जो भी बात बोलती थी उसको बहुत अच्छे से वो मानता था, है ना? से आपकी मम्मा भी आपको कुछ बोलती हैं तो आप मानते हैं ना. और जो चेतन की मम्मी थी वो बहुत अच्छे पकवान बनाती थी. कभी आप मम्मा से बोलते होगे, मम्मा मुझे ये खाना है वो खाना है, तो उसकी मम्मा बहुत अच्छे से बनाती थी और चेतन को पकवान खाना बहुत पसंद था. उसकी मम्मी कुछ भी बनाती थी, नई डिश, है ना, पकवान को डिश बोलते हैं, बहुत पसंद थी. एक दिन चेतन की माँ ने बहुत बढ़िया कुकीज़ बनाई. कुकीज़ ये बिस्किट, है ना, कुकीज़ बनाया और उनको उन्होंने क्या किया, एक बड़े से जार में रख ली और फिर कहाँ चली गई, बाजार, मार्केट चली गई, है ना. फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बाजार जाने से पहले चेतन की जो मम्मी है उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने वो कह गई थी कि बेटा बाजार जाने से पहले चेतन की माँ बोली कि बेटा आप अपना होमवर्क गृह कार्य मीन्स समाप्त करने के बाद कुकीज़ खा सकता है, तब जब आप अपना होमवर्क कर लोगे तब. चेतन बहुत खुश हुआ, उसने जल्दी से अपना गृह कार्य समाप्त करके अपना जो होमवर्क था उसको अच्छे से, उसने स्कूल का होमवर्क था उसने अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया. फिर अपनी मम्मी अपनी माँ के लौटने से पहले उसने कुकीज़ खाने चाहिए. उसके माइंड में ये चल रहा था कि मम्मी के आने से पहले क्यों ना मैं कुकीज़ खा लूँ. और वो क्या किया, एक स्टूल लिया और वो स्टूल पर चढ़ गया, है ना, देखिए पिक्चर्स में दिख रहा है ना. और उसने क्या किया, फिर जार के अंदर अपना हाथ डालकर ढेर सारे कुकीज़ निकालने की कोशिश की. खूब सारी उसमें कुकीज़ है ना, बिस्किट देखिए, तो उसने सोचा कि मैं ढेर सारे निकाल लूँ. पर हुआ क्या, उसने ढेर सारे निकालनी चाहिए थी पर चार का मुंह छोटा था, इसलिए वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका. उसने सोचा मैं ढेर सारे निकाल लूँ बट उसका हाथ उसमें फंस गया और उसका हाथ जार का मुंह छोटा होने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल सका. उसी समय उसकी मम्मी जो है बाजार से लौट आई. अब उन्होंने देखा कि वो चेतन को देखकर वो हंसने लगी और चेतन अपने बेटे से कहा, हंसने लगी इसलिए कि वो ढेर सारे कुकीज़ बोली और उसका हाथ नहीं निकल पा रहा था और वो हंसने लगी. उन्होंने चेतन से कहा कि चेतन हाथ से ढेर सारी कुकीज़ छोड़कर, है ना, उसकी मम्मी हंसते हुए देखे स्माइल कर रही है ना, उन्होंने ढेर सारे कुकीज़ छोड़कर बोला केवल दो या तीन कुकीज़ हाथ में पकड़ो, है ना, दो या तीन कुकीज़ आप हाथ में पकड़ कर अपना हाथ बाहर निकालो. तो चेतन ने क्या किया, वैसा ही किया जैसे उसकी मम्मा बोल रही थी, है ना, उसकी मम्मा बोल रही थी. माँ की बात सुन मानकर उसने सिर्फ दो कुकीज़ हाथ में पकड़ी. मम्मा ने बोला बेटा आप दो लीजिए, है ना, आप, तब उसने जैसी दो कुकीज़ ली जल्दी से उसका हाथ बाहर निकल गया. फिर उसका हाथ बाहर निकल गया और वो क्या हो गया, खुश हो गया. तब उसकी माँ ने प्यार से कहा, ऐसा करने से तुमने क्या सीखा. उसकी मम्मी ने पूछा कि अगर मैंने आपको ऐसा बोला तो आपने क्या सीखा. तो चेतन बोला कि मैंने सीखा कि किसी भी चीज़ का लालच करना अच्छी बात नहीं है, है ना, आपको भी लालच नहीं करना चाहिए. क्यों,
अगर हम लालच कर अगर उसने लालच किया होता तो क्या होता, उसका हाथ उसी में फंसा रहता, निकलता ही नहीं। तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जो भी जितना आपको मिले आपको उसमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। आप भी अपनी मम्मी का पापा का कहना